देखते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। जनरली एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर जगह से उठा के स्पीशीज को ले आए और उसको हम या जूलॉजिकल पार्क में डाल दें या बोटेनिकल गार्डन में डाल दिए गार्डन में डाल दिया जाए या वाइल्ड लाइफ पार्क में हम उसे रख दें। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो वो नेचुरल हैबिटेट था उसका, वहाँ पे आज उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसे जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, एक्स सीटू कंजर्वेशन का यही मतलब होता है। चलिए, द अर्थ सिमिट्स, ये हुआ था रियो दो जेनेरो में, यहाँ पे ये जनरली 1992 में ये हुआ था, जहाँ पे हर नेशन ने एक प्रॉमिस किया था कि हम हमारी यहाँ की बायोडायवर्सिटी कंजर्व करेंगे। जनरली बायोडायवर्सिटी कंजर्व करने के कई सारे मेथडोलॉजी इन्होंने दिए थे, जैसे कि एक्सिट इंसिटू हाइब्रिडाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, एक कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, प्लांट प्रोपागुलेशन यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथडोलॉजी। तो ये तीन आपको ध्यान रखने हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं, -196 पे हम सीड या गैमेट्स को प्रिजर्व करते हैं। हमें लग रहा है कि ये स्पीशीज जो है आगे चल के ख़त्म हो सकती है, तो हम उसके गैमेट क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का यूज़ करके फ्रीज कर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करके -196 डिग्री सेल्सियस में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, अगर कोई एनिमल है उसका एक्सटेंशन का खतरा हो रहा है, जैसे कि ये राइनो मेल का स्पर्म हो गया या राइनो फीमेल का एग हो गया, दोनों को हम लेबोरेटरिकल कंडीशन में फर्टिलाइज करा देते हैं और इससे एम्ब्रायो बन जाता है, जायगोट बनता है, या जायगोट आगे चल के एम्ब्रायो बनेगा, हम इसे एक फॉरेस्टेड राइनो के अंदर डाल देंगे, आगे चल के इससे एक बेबी तैयार हो जाएगी। प्लांट प्रोपगेशन, जैसे कि हम जानते हैं टिश्यू कल्चर मेथडोलॉजी से हम प्लांट का ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज उसकी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और समिति के बारे में हमने भी देख लिया जो रियो दो जेनेरो में हुई थी बायोडायवर्सिटी को लेके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो लेटेस्ट हुई 2020 में हुई जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जिसमें 190 कंट्री ने प्लेज किया कि हम अचीव 2010 सिग्निफिकेंट रिड्यूस दी करंट बायोडायवर्सिटी एंड लॉस ग्लोबल रीजन एंड लोकल लेवल, कि हम अपनी बायोडायवर्सिटी को बचा लेंगे। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन वाला जो पार्ट है इतने वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्स सीटू में कौन कौन आता है, बायोलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी एंड बोटानिकल गार्डन, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन है 2019 के नीट का, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो द जेनेरो, जो कि ब्राज़ील के कैपिटल है, 1922 वाज हेल्ड, तो किसके लिए हुआ था ये 1992 का जो सम्मेलन है, हमने देखा हमारे लेक्चर में, जनरली ये हुआ था फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सुटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ, इसका भी हमने देख लिया -10196। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स सी टू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड एनिमल एंड प्लांट, एक्स सी टू। तो एक्स सी टू हम क्या करते हैं, जहाँ पे जो एनिमल मिलता है वहाँ से ला के कई और करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ सफारी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ गैमेट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रेफर एज टू, तो ये 2015 का क्वेश्चन है जो कि कैंसिल हो चुका था, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पता है इसका आंसर क्या होगा, आंसर है इसका डी, एडवांस एक्स सी टू कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। दूसरा क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सी टू कंजर्वेशन इज नेशनल पार्क, सीड बैंक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्क्रेड ग्रुप। तो क्या हुआ, 20 नंबर का क्वेश्चन था ये, 2014 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम देंगे सीड बैंक बी, जो कि एक तरह का एक्स ए टू कंजर्वेशन हमने स्टार्ट में ही चार्ट में देख लिया था। चलिए 2013 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर एक्स ए टू
प्लांट कंजर्वेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बी बोटानिकल गार्डन, सी फील्ड जीन बैंक एंड डी सीड बैंक। तो आंसर हुआ इसका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बाकी सारे एक्सीटू कंजर्वेशन के लिए जाने जाते हैं। चलिए इतना मैंने सारा कर दिया है आपके लिए, अब आप क्या करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।